नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। अभिव्यक्ति के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और आपके सिलेबस में ध्यान रखना, इसी क्रम में अपन आगे चलें तो आपके सिलेबस में एक टॉपिक दिया हुआ है राजस्थान की जलवायु। और राजस्थान की जलवायु में देखोगे तो प्रश्न भी ज़्यादा पूछे हुए हैं राजस्थान की जलवायु में से। और इस जलवायु में से जो ज़्यादा प्रश्न पूछे हुए हैं वो ध्यान रखना, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है, थोनवेट का जलवायु वर्गीकरण है, इस तरीके के प्रश्न आपके कंपटीशन में ज़्यादा पूछे हुए हैं। तो विशेष रूप से ध्यान रखना, जो अब अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं वो टॉपिक अपना होगा राजस्थान की जलवायु। तो समझें इसको और किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं आप उनको समझने की कोशिश करें। ठीक है, देखें अपन जो टॉपिक ले रहे हैं वो टॉपिक अपना होगा राजस्थान की जलवायु। ठीक है, ये अपना टॉपिक रहेगा। अब ध्यान रखना इसमें किस तरीके से आप इसको समझें, एक एक चीज को कोशिश करें समझने की। इसमें सबसे पहले तो अपन से प्रश्न पूछता है कि जलवायु किसे कहते हैं। सबसे पहले जो प्रश्न है वो है कि जलवायु कहते किसे हैं, क्योंकि जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं तो कम से कम आपको स्टार्टिंग में ये मालूम होनी चाहिए वो है क्या, उसे कहते क्या है। तो जलवायु किसको कहते हैं, ध्यान रखना, दीर्घकालीन एक लंबे समय से जो वायुमंडलीय होती हैं दशाएं, उनको जलवायु कहा जाता है। आप ये कह सकते हैं कि दीर्घकालीन वायुमंडलीय दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशाओं का योग क्या कहलाता है, जलवायु। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखना, दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशाओं के योग को जलवायु कहा जाता है। लेकिन आपके कंपटीशन में ये प्रश्न पूछा हुआ है दीर्घकालीन में कितना समय लिया जाता है। तो ध्यान रहे आपको, दीर्घकालीन में जो समय लिया जाता है, दीर्घकालीन में वो समय लिया जाता है 30 वर्ष या 30 वर्ष से अधिक का जो समय है वो ध्यान रखना मुख्य रूप से जलवायु के नाम से जाना जाता है। और इसी क्रम में ध्यान रखना, एक अपन से प्रश्न पूछ लेता है मौसम। और मौसम किसको कहोगे, तो इसकी जगह आप शब्द लगा दें अल्पकालीन। यहां तो दीर्घकालीन है, यहां शब्द लगा दें अल्पकालीन। वायुमंडलीय दशाओं के योग को मौसम कहा जाता है, क्योंकि मौसम देखें तो बार बार परिवर्तन होता रहता है। और इसी क्रम में यदि देखें तो ध्यान रखना, एक व्यक्ति ये है मार्शडेन, और मार्शडेन ने एक बात कही है कि विश्व की समस्त जलवायु देखोगे तो भारत देश में पाई जाती है। समझना, मार्शडेन ने क्या बात कही है, विश्व की समस्त जलवायु दशाएं भारत देश में पाई जाती हैं। यानी विश्व की जितनी भी जलवायु दशाएं हैं वो भारत देश में पाई जाती हैं। ये बात किसने कही है, ये बात कही है मार्शडेन ने। अब दो चीज ध्यान रखना इनमें मुख्य रूप से, एक तो भारत की जलवायु कैसी है और एक आपको याद रखना है राजस्थान की जलवायु कैसी है। दोनों जलवायु को आप ध्यान में रखना है। तो भारत की जो जलवायु है वो तो ध्यान रखना कैसी है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। यानी भारत की जलवायु कैसी है,
तो भारत की जलवायु है मानसूनी जलवायु। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछे राजस्थान की जलवायु कैसी है, तो राजस्थान की जलवायु ध्यान रखना उष्ण कटिबंधीय शुष्क, उष्ण कटिबंधीय शुष्क व उप आद्र जलवायु। ये प्रश्न ध्यान रखना अच्छे तरीके से। राजस्थान की जलवायु कैसी है, उष्ण कटिबंधीय शुष्क उप आद्र जलवायु है राजस्थान की, ध्यान रखना उष्ण कटिबंधीय शुष्क व उपाद्र जलवायु। कर सकते हो आराम से यहां तक, एक बार देखें अच्छे तरीके से। जलवायु किसे कहते हैं, दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशाओं के योग को जलवायु कहते हैं, जिसमें 30 या 30 वर्ष से अधिक का समय लिया जाता है। उसी क्रम में मौसम किसे कहते हैं, तो अल्पकालीन यानी कम समय का लिया जाता है। मार्श डैन, विश्व की समस्त जलवायु भारत देश में पाई जाती है, भारत मार्श डैन ने कही है। भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, और राजस्थान की जलवायु देखें तो उष्ण कटिबंधीय शुष्क व उपाद्र जलवायु है। कर सकते हो यहां तक आराम से, एक बार क्लियर रूप से इसको देख लें। इसी क्रम में फिर अपन आगे चलते हैं। क्लियर है ना यहां तक की स्थिति, तो ठीक है। अब ध्यान रखना कुछ अपन से मानसून शब्द के बारे में पूछता है, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पूछता है, तो उन चीजों को भी एक एक को समझते हुए चलें अपन। ठीक है, देखें तो इसी क्रम में आप देखें, ध्यान रखना अपने सामने एक शब्द आता है मानसून, और ये मानसून का अपन से पूछता है कि मानसून किस भाषा का शब्द है। तो ध्यान रखना मानसून की यदि बात करें तो कंपटीशन में काफी बार आया है, मानसून देखें तो अरबी भाषा का शब्द है, और ये अरबी भाषा के किस शब्द से बना है, ये अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है, और मौसम शब्द का अर्थ होता है मौसम। ये मौसम शब्द से बना है, और मौसम मौसम का अर्थ होता है मौसम मौसम। ठीक है, कर सकते हो यहां तक भी आराम से। उसी क्रम में आप देखें तो ध्यान रखना कई बार प्रश्न ये पूछ लेता है कि मानसून क्या है। काफी बार कंपटीशन में प्रश्न आया है मानसून क्या है, किसको कहेंगे आप मानसून क्या है, बताएं मानसून किसे कह सकते हैं आप। तो ध्यान रखना बिल्कुल, मानसून किसे कहेंगे आप, ऋतुओं के अनुसार हवाओं का उलट जाना या बदल जाना ही मानसून कहलाता है। क्या कह सकते हो आप, ऋतुओं के अनुसार ऋतुओं के अनुसार हवाओं का बदल जाना या उलट जाना, ऋतुओं के अनुसार हवाओं का बदल जाना या उलट जाना ही मानसून कहलाता है। कर सकते हो यहां तक भी आराम से, इसी को आप क्या कह सकते हैं, इसी को आप कहेंगे मानसून। ठीक है, कर सकते हो यहां तक भी आराम से, क्लियर है यहां तक की भी स्थिति। ठीक है, इसी क्रम में अपन आगे चलते हैं। तो ध्यान रखना एक अपन से बार बार कंपटीशन में प्रश्न आया है कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, पहले उन कारकों के नाम देखेंगे और फिर उनको एक एक करके अपन समझेंगे। बिल्कुल, तो एक प्रश्न आता है मानसून को प्रभावित करने वाले कारक, यानी जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक हैं जो अपने राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं,
तो उन कारकों में ध्यान रखना, एक नंबर का आता है अक्षांश। कारकों में एक नंबर पे अक्षांश आता है जो जलवायु को प्रभावित करता है, सेकंड नंबर पे आता है समुद्र से दूरी, इसी क्रम में थर्ड नंबर पे आता है समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई। ये वो कारक हैं जो ध्यान रखना जलवायु को प्रभावित करते हैं। और कंपटीशन में भी बार बार यहां से प्रश्न भी आते हैं, एक अक्षांश है, समुद्र से दूरी है, समुद्र तल से ऊंचाई है, और इसी क्रम में आप देखें तो एक आता है अरावली पर्वतमाला की स्थिति। अरावली की स्थिति, अरावली पर्वतमाला की स्थिति और जो विस्तार है ये भी जलवायु को प्रभावित करता है। और इसी क्रम पे आप पांच नंबर पे देखें तो पांच नंबर पे ध्यान रखना स्थल का प्रभाव भी आता है, स्थल का प्रभाव। और स्थल का प्रभाव भी देखोगे तो जलवायु को प्रभावित करता है, स्थल का प्रभाव। कर सकते हो यहां तक भी आराम से। तो ये है जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। अब इनको अपन एक एक करके पढ़ेंगे। तो एक नंबर पे जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक अपन पढ़ेंगे अक्षांश। एक बार आप इसको देख लें, क्योंकि ये प्रश्न भी बार बार आया, कौन सा प्रभावित करता है कौन सा प्रभावित नहीं करता है। तो ये वो कारक हैं जो जलवायु को प्रभावित करते हैं। क्लियर है यहां तक स्थिति भी। अब एक एक करके ले लेते हैं अपन इन कारकों को, कौन कौन से प्रभावित करते हैं। तो जो एक नंबर पे कारक प्रभावित करता है वो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करता है अक्षांश। अब अक्षांश राजस्थान की जलवायु को कैसे प्रभावित करता है वो समझें एक बार आप अच्छे तरीके से, यहां से हल्के रूप में ही समझें आप, इस तरीके से समझें आप इस स्थिति को, इस तरीके से समझें आप। यहां से आप देखें तो राजस्थान में ध्यान रखना यहां से एक रेखा जाती है और इस रेखा का नाम है 23.5 डिग्री कर्क रेखा। इस रेखा का नाम 23.5 डिग्री कर्क रेखा है, जबकि राजस्थान की शुरुआत हो जाती है 23.03 और इसकी शुरुआत होती है उत्तरी अक्षांश से। जबकि कर्क रेखा की बात करें तो 23.5 डिग्री और इस कर्क रेखा को आप कह सकते हो 23.30। कर्क रेखा को आप 23.03 के नाम से भी जान सकते हैं। और अपना राजस्थान देखें तो राजस्थान है 30.12, इसे भी आप कहते हैं उत्तरी अक्षांश। अब एक चीज को समझना, इस कर्क रेखा के अपन ऊपर चलें तो कर्क रेखा के ऊपर अपन को एक कटिबंध मिलता है, उपोष्ण कटिबंध। और इसी कर्क रेखा के अपन नीचे चले तो अपन को नीचे मिलता है उष्ण कटिबंध। और उष्ण कटिबंध में राजस्थान का केवल 6% हिस्सा आता है, जबकि 94% हिस्सा देखें तो उपोष्ण कटिबंध में आता है। तो इसका मतलब अपने राजस्थान का अधिकांश भाग किस में आता है, उपोष्ण कटिबंध में। आप कह सकते हैं राजस्थान का अधिकांश भाग, राजस्थान का अधिकांश भाग कौन से कटिबंध में आ रहा है, उपोष्ण कटिबंध में। जबकि राजस्थान का दक्षिणी भाग केवल किस में आता है, उष्ण कटिबंध में। और मुख्य रूप से आप ये कह सकते हैं जो अक्षांश होते हैं इनकी बीच की दूरी को कहा जाता है कटिबंध। जैसे उष्ण कटिबंध है, उपोषण कटिबंध है, शीत कटिबंध है, शीतोषण कटिबंध है, इस तरह से अक्षांश के बीच की दूरी को कटिबंध के नाम से जाना जाता है। तो ये जो चीजें अपने सामने हैं तो एक नंबर पे बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है
दक्षिण में उष्णकटिबंध है, उत्तर में उपोष्ण है, तो ये राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करता है। आया क्लियर रूप से? तो एक तो प्रभावित करता है अक्षांश। इसी क्रम में अपन सेकंड नंबर पे चलें तो राजस्थान की जलवायु को जो सेकंड नंबर पे प्रभावित करता है, नंबर दो पे प्रभावित करने वाला कारक है समुद्र से दूरी। सेकंड नंबर पे जो प्रभावित करता है कारक, वो समुद्र से दूरी प्रभावित करता है। कैसे प्रभावित करता है देखें, अपने भारत की स्थिति याद आप देखें इस तरीके से, यहां से तो इधर तो आप देखोगे तो अपने भारत में है अरब सागर, और इधर आप देखें तो भारत में है बंगाल की खाड़ी, और इधर आप देखें तो अपने भारत में है हिंद महासागर। अब जो समुद्र के पास जो क्षेत्र हैं वहाँ आर्द्रता अधिक होती है, और आर्द्रता अधिक होने के कारण यहाँ सम जलवायु का विकास हुआ है। तो इन क्षेत्रों में ध्यान रखना, जो ये क्षेत्र आपको दिखाई दे रहे हैं समुद्र के आसपास तक का, ये जो क्षेत्र है यहाँ से ये क्षेत्र हैं, ये हैं, ये इस तरीके के जो क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं यहाँ जलवायु पाई जाती है सम जलवायु। और सम जलवायु क्यों पाई जाती है, क्योंकि इन क्षेत्रों में देखें तो ध्यान रखना आर्द्रता अधिक होती है। तो आप ये कह सकते हैं समुद्र के आसपास के क्षेत्रों में आर्द्रता अधिक होती है, जबकि समुद्र से दूर जाने पर आर्द्रता कम हो जाती है। और जहां आर्द्रता अधिक होती है वहां सम जलवायु का विकास होता है, और आर्द्रता जहां कम होती है वहां विषम जलवायु का विकास होता है। अब देखें अपने राजस्थान की स्थिति देखें तो राजस्थान यहां स्थित है, तो अपना राजस्थान समुद्र से कहां है भाई, दूरी पर है। तो दूरी पर है तो यहां कैसी जलवायु पाई जाती है, विषम जलवायु पाई जाती है। तो आप ये कह सकते हो कि अपने राजस्थान में कैसी जलवायु का विकास हुआ है, विषम जलवायु का विकास हुआ है, क्योंकि अपना राजस्थान देखे तो समुद्र से दूर है। जबकि राजस्थान में विशेष रूप से ध्यान रखना, राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है, दक्षिणी भाग में आप देखें एक तो झालावाड़ और एक देखना बांसवाड़ा। दक्षिणी भाग में जो झालावाड़ और बांसवाड़ा है ये समुद्र के नजदीक होने के कारण इन दोनों जिलों में ध्यान रखना सम जलवायु का विकास हुआ है। तो राजस्थान के कौन से दो जिलों में सम जलवायु पाई जाती है, तो झालावाड़ और बांसवाड़ा दो जिले ऐसे हैं जहां सम जलवायु का विकास हुआ है। तो ये भी देखो जलवायु को प्रभावित कर रहे हैं, क्योंकि समुद्र के नजदीक सम जलवायु और समुद्र के दूर जाने पर विषम जलवायु पाई जाती है। तो ये आपके सामने प्रभावित करने वाला कारक नंबर दो। और इसी क्रम में आपके सामने जो कारक नंबर तीन आता है, यही ले लेते हैं, इसी क्रम में कारक नंबर तीन आता है और वो है समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें तो ध्यान रखना क्षोभ मंडल में एक मंडल आता है अपने सामने, और वो मंडल है क्षोभ मंडल। इस क्षोभ मंडल में बात करें तो 165 मीटर ऊपर जाने पर एक डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। क्षोभ मंडल में केवल क्षोभ मंडल की बात कर रहे हैं, बस जो वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है क्षोभ मंडल, इसमें 165 मीटर ऊपर जाने पर एक डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। तो इसी कारण ध्यान रखना जो भाग ऊंचाई पर हैं, ऊंचाई पर जो भाग हैं वहां देखोगे तो तापमान कम पाया जाता है, ऊंचाई वाले भागों पर तापमान कम पाया जाता है। जबकि जो नीचे भाग स्थित हैं उन पर देखोगे तो तापमान अधिक पाया जाता है। किस कारण से, क्योंकि ऊंचाई पर जाने पर तापमान कम होता है
और जितना नीचे आएंगे क्षोभ मंडल में तो तापमान में वृद्धि होती है। तो जाहिर सी बात है ये भी जलवायु को प्रभावित कर रहा है भाई। एक तो अपने एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो माउंट आबू ऊंचाई पर होने के कारण वहाँ तापमान कम होता है, वहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है, जबकि अपन पश्चिमी राजस्थान का जैसे जोधपुर का फलोदी लें तो ये नीचाई पर होने के कारण यहाँ तापमान अधिक रहता है। तो दो नंबर पे जो प्रभावित करने वाला कारक है वो समुन्द्र से दूरी है, और तीन नंबर पे प्रभावित करने वाला कारक है समुन्द्र तल से ऊंचाई। और अपने भारत का जो समुन्द्र तल मापा जाता है, अपने भारत का ध्यान रखना समुन्द्र तल चेन्नई से मापा जाता है। भारत का समुन्द्र तल देखें तो चेन्नई से मापा जाता है। कर दोगे यहां तक भी आराम से, एक बार देख लें क्लियर रूप से, फिर अपन आगे चलते हैं। ठीक है, क्लियर है यहां तक की स्थिति भी? ठीक है, इसी क्रम में चलते हैं अपने। तीन तक हो गए, चार। और चार नंबर पे जो जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक है वो है अरावली की स्थिति। आप ये कह सकते हैं अरावली की स्थिति व विस्तार। जो अरावली पर्वतमाला की स्थिति और विस्तार है ये भी ध्यान रखना राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करता है। किस तरीके के प्रभावित करता है तो देखें, ये अपने राजस्थान की स्थिति है, आप समझें इस चीज को। इस स्थिति को समझना, और इधर से आप देखें तो ये फैली हुई है इधर से अरावली पर्वतमाला। इधर से आप देखें तो इस तरीके से अरावली पर्वतमाला फैली हुई है, और इधर से आप देखें तो मानसून आता है अरब सागर का, और इधर से आप देखें तो मानसून है बंगाल की खाड़ी का। अब जो अरब सागर ये मानसून है इसके ध्यान रखना ये बिल्कुल समानांतर फैली हुई है भाई। अरब सागर ये मानसून देखें तो इधर से यूं आता है, और ये अरब सागरीय मानसून के समानांतर होने के कारण ये मानसून सीधा ही निकल जाता है। इसी कारण राजस्थान में जो वर्षा होती है वो कम होती है। ये कंपटीशन में बार बार प्रश्न आया है, राजस्थान में कम वर्षा होने का मुख्य कारण क्या है? तो अपने राजस्थान में कम वर्षा होने का जो मुख्य कारण है वो अरावली पर्वतमाला का अरब सागरीय मानसून के समानांतर होने से यहाँ अपने वर्षा कम होती है। इसी क्रम में देखें तो भारत के संदर्भ में यदि अपन देखें तो अरब सागर का ये बंगाल की खाड़ी का मानसून इधर से जाता है यूं, और भारत के संदर्भ में देखें तो यहाँ म्यांमार में एक पर्वत पड़ता है अराकन योमा पर्वत, ये म्यांमार में पड़ता है। ये जो है ये इससे टकराता है, टकराने के बाद ये इस तरीके से घूमता है, और ये बंगाल की खाड़ी का जो मानसून है ये अपने राजस्थान के दक्षिणी भाग में प्रवेश करता है, और ये अरावली पर्वतमाला से टकराकर और ये दक्षिणी पूर्वी भाग में वर्षा करवाता है। क्योंकि यहाँ आप देखें तो यहाँ जिला है झालावाड़, और यहाँ आप जिला देखें तो यहाँ जिला है बांसवाड़ा। क्योंकि अरब सागर का जो मानसून है वो इधर से बांसवाड़ा में प्रवेश करता है, जबकि बंगाल की खाड़ी का मानसून देखें तो झालावाड़ में प्रवेश करता है, और झालावाड़ में प्रवेश करके यहाँ 40 दिन तक वर्षा करवाता है, जबकि बांसवाड़ा में आप देखें तो 38 दिन वर्षा होती है। तो अरावली की जो स्थिति है वो भी ध्यान रखना मानसून वो जलवायु को प्रभावित करती है, क्योंकि अरब सागरीय मानसून के बिल्कुल समानांतर बनी हुई है। तो एक जो प्रभावित करने वाला कारक है वो अरावली की स्थिति और विस्तार, एक बार देख ले। इसी क्रम में अपन आगे चलते हैं। ठीक है, क्लियर रूप से यहाँ तक भी? उसके आगे जो स्थिति है
ये चार नंबर था, और पांच नंबर पे यदि अपन देखें तो पांच नंबर पे इसको प्रभावित करने वाला कारक है स्थल का प्रभाव। स्थल का प्रभाव देखो, स्थल का प्रभाव कैसे प्रभावित करता है जलवायु को, ध्यान रखना दो चीज होते हैं, एक जलीय भाग और एक स्थलीय भाग, यानी आप ये कह सकते हैं दो होते हैं। एक तो कैसा भाग होता है, जलीय भाग। ये जलीय भाग तो ध्यान रखना, जो जलीय भाग होता है ये धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ही ठंडा होता है, यानी ये कह सकते हो ये बिल्कुल धीरे धीरे तो क्या होता है गर्म, और धीरे धीरे ही ठंडा होता है। धीरे धीरे तो आप देखें तो गर्म होता है, धीरे धीरे ये ठंडा होता है, धीरे धीरे गर्म, और इसी क्रम में आप देखें तो ये धीरे धीरे ही देखोगे तो ठंडा होता है, यानी कि काफी समय लेता है ये भाग गर्म होने में और काफी समय लेता है ये भाग ठंडा होने में, जबकि स्थिति देखोगे तो फिर सम जलवायु की हो जाती है। जबकि एक आपके सामने इसी क्रम में देखें तो एक आपके सामने आता है स्थल। अब स्थल ध्यान रखना, स्थलीय भाग देखोगे तो ये जल्दी तो ध्यान रखना गर्म हो जाता है, और स्थलीय भाग देखें तो जल्दी ध्यान रखना ये ठंडा हो जाता है। स्थलीय भाग देखें तो जल्दी तो गर्म होता है, और जल्दी देखें तो ये ठंडा होता है। तो अपने राजस्थान में ज्यादातर कैसा भाग है, अपने राजस्थान में तो पूरा स्थलीय ही भाग है, तो ये जल्दी से तो गर्म हो जाता है और जल्दी से ठंडा हो जाता है। इस कारण से अपने राजस्थान की जलवायु को स्थल के प्रभाव का भी इस पे प्रभाव पड़ता है, कर सकते हो आराम से। तो ये था अपना जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, कौन कौन से हैं, अक्षांश है, समुन्दर से दूरी है, समुन्दर तल से ऊंचाई है, अरावली की स्थिति है, और स्थल का प्रभाव है, कर सकते हो यहां तक भी आराम से। इसी क्रम में ध्यान रखना फिर प्रश्न आता है जलवायु का वर्गीकरण, और जलवायु के वर्गीकरण में जो अपन से प्रश्न पूछे जाते हैं वो दो तरीके के पूछे जाते हैं, एक सामान्य वर्गीकरण और एक देखें तो व्यक्तिगत वर्गीकरण। तो आप देखें जलवायु का वर्गीकरण, इसी क्रम में ध्यान रखना, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना, एक बार समझ लेना आप जलवायु का वर्गीकरण। और मैंने कहा है जलवायु का वर्गीकरण दो भागों में बांटते हैं इस वर्गीकरण को, और दो भागों में कौन कौन से वर्गीकरण, इसके दो भागों में देखें, एक तो ध्यान रखना इसका वर्गीकरण होता है सामान्य वर्गीकरण, एक तो जलवायु का होता है सामान्य वर्गीकरण। सेकंड नंबर पे जो इसका वर्गीकरण होता है नंबर दो पे, वो वर्गीकरण होता है व्यक्तिगत वर्गीकरण। एक तो सामान्य वर्गीकरण और एक व्यक्तिगत वर्गीकरण। अपन से कंपटीशन में काफी बार प्रश्न आता है कि राजस्थान में सामान्यतया कितने प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ के आंसर दें आप। राजस्थान में सामान्यतया आप देखें तो राजस्थान में सामान्यतया ध्यान रखना पांच प्रकार की जलवायु अपने राजस्थान में पाई जाती है, सामान्यतया की बात है। और ये पांच प्रकार की जलवायु कौन सी है सामान्यतया देखें, तो एक नंबर पे तो अपने यहां जो जलवायु पाई जाती है वो है शुष्क जलवायु। इसी क्रम में सेकंड नंबर पे देखें तो अपने पाई जाती है अर्ध शुष्क जलवायु, एक शुष्क जलवायु है एक अर्ध शुष्क जलवायु है। तीन नंबर पे जलवायु पाई जाती है उप आद्र जलवायु, और इसी क्रम में चार नंबर पे अपने यहां पाई जाती है आद्र जलवायु।
और इसी क्रम में पांच नंबर पे अपने यहां पाई जाती है अति आद्र जलवायु। तो अपने राजस्थान में देखें तो मुख्य रूप से पांच प्रकार की जलवायु पाई जाती। कौन सी पांच है? शुष्क, अर्ध शुष्क, उपाद्र, आद्र और अति आद्र। इस तरीके से पांच प्रकार की जलवायु पाई जाती है। लेकिन व्यक्तिगत वर्गीकरण में देखें तो व्यक्तिगत वर्गीकरण जो अपने यहां किया गया है व्यक्तिगत वर्गीकरण में, तो व्यक्तिगत वर्गीकरण अपने यहां तीन प्रकार से किया गया है। एक नंबर पे तो जो व्यक्तिगत वर्गीकरण है वो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है। कोपेन के बाद सेकंड नंबर पे आप देखें तो सेकंड नंबर पे अपने यहाँ थोनवेट का जलवायु वर्गीकरण है, और तीन नंबर पे अपने यहाँ देखें तो टिवारथा का जलवायु वर्गीकरण है। तो इस तरीके से अपने तीन हैं, कोपेन, थोनवेट और टिवारथा। कोपेन ने राजस्थान की जलवायु को चार भागों में बांटा है, थोनवेट ने भी देखें तो चार भागों में, और टिवारथा ने भी देखोगे तो राजस्थान की जलवायु को चार भागों में बांटा है। सामान्य वर्गीकरण पांच प्रकार की जलवायु है। व्यक्तिगत वर्गीकरण में देखें तो कोपेन, थोनवेट और टिवारथा तीनों ही देखें तो चार चार प्रकार से इन्होंने जलवायु को बांटा है। भाई इसमें भी देखें तो कोपेन का CAW है, मुख्य रूप से AW, CWG है, BSHW, BWHW है। इसी क्रम में थोनवेट का देखें तो CAW, DAW, DBW, EAD है, और इसी क्रम में टिवारथा देखें तो उन्होंने तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में सुधारात्मक प्रयास से किए हैं। कर सकते हो, यहां तक भी आराम से क्लियर है स्थिति। तो ये ध्यान रखना अपने मुख्य रूप से बातें हैं वर्गीकरण की। और इन्हीं वर्गीकरण में देखें तो सबसे पहले जो अपन शुरू कर रहे हैं, क्योंकि ये तो राजस्थान का, तो पांच सीधा सीधा ध्यान रखना है, पांच प्रकार की जलवायु है। शुष्क देखें तो पश्चिमी राजस्थान में, एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले तो अपन सामान्य जलवायु का वर्गीकरण देख लेते हैं, और फिर उसके बाद अपने व्यक्तिगत वर्गीकरण की शुरुआत करते हैं। देख ले आप क्लियर रूप से, फिर अपन आगे चलते हैं। ठीक है, इसी क्रम में अपन आगे चलते हैं। और एक नंबर पे जो अपन ले रहे हैं वो जलवायु का सामान्य वर्गीकरण। और सामान्यतः राजस्थान में कितने प्रकार की जलवायु पाई जाती है? पांच प्रकार की जलवायु पाई जाती है। समझना कौन कौन सी है, एक बार देखें आप अपने राजस्थान में, यदि देखें तो इस तरीके से है, समझें आप। देखें, समझना, इधर से आप देखें नंबर एक, तो ये ध्यान रखना नंबर एक पे इस वाले भाग में ये नंबर एक है, जिसको शुष्क जलवायु प्रदेश कहा जाता है। इसी क्रम में आप देखें तो इसी क्रम में यहां से देखें तो ये नंबर दो है, जिसे अर्ध शुष्क कहा जाता है। इसी क्रम में यहां से देखें तो ये नंबर तीन है, जिसे आप उपाद्र जलवायु कहते हैं। इसी क्रम में ये नंबर चार है, जिसे आप आद्र जलवायु कहते हैं। और ये नंबर पांच है, जिसे आप अति आद्र जलवायु के नाम से जानते हैं। तो ये ध्यान रखना, जो मुख्य रूप से ये वाला भाग है, इस जलवायु को नाम दिया जाता है कैसी जलवायु? भाई शुष्क जलवायु। सेकेंड नंबर पे इस जलवायु को नाम दिया जाता है अर्ध शुष्क जलवायु। थर्ड नंबर पे जो नाम दिया जाता है वो है उप आद्र जलवायु। और चार नंबर पे जो नाम दिया जाता है वो है आद्र जलवायु। और पांच नंबर पे जो नाम दिया जाता है वो है अति आद्र जलवायु। अति आद्र जलवायु।
अब इनमें सबसे पहले तो वर्षा के आधार पर इनको बांटते हैं, वर्षा और तापमान के आधार पर। वर्षा की यदि अपन बात करें तो ध्यान रखना, मुख्य रूप से वर्षा में देखें तो शुष्क वाले भाग में जो वर्षा होती है वो 20 सेंटीमीटर, आप ये कह सकते हो 0 से 20 सेंटीमीटर के बीच क्या होती है यहां वर्षा, वर्षा होती है। अर्ध शुष्क वाले भाग में देखें तो 20 से 40 सेंटीमीटर होती है। उपाद्र वाले भाग में देखें तो 40 से 60 सेंटीमीटर होती है। आद्र वाले भाग में देखें तो 60 से 80 सेंटीमीटर होती है। और अति आद्र वाले भाग में देखें तो 80 सेंटीमीटर से अधिक। जो अति आद्र है उसमें 80 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। जबकि ध्यान रखना, यहां से देखोगे तो एक क्षेत्र पड़ता है माउंट आबू। इस माउंट आबू को भी ध्यान रखना अति आद्र में शामिल किया है। हालांकि यहां से देखोगे तो सिरोही उपाद्र में शामिल है, लेकिन यहां से आप देखें तो माउंट आबू वाला भाग है वो ध्यान रखना अति आद्र जलवायु में इसको शामिल किया गया है। यदि तापमान की भी बात करें तो तापमान भी यहां देखोगे तो अलग अलग भागों में इसको बांटा गया है। 32 सेंटीमीटर है यहां तक देखें, फिर 36 आ जाता है, 28 से 32 सेंटीमीटर तक आ जाता है। तो तापमान को लेके भी यहां चर्चाएं, जो आगे चल के अपन इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन ये सामान्य वर्गीकरण को आप एक बार देख लें, ये अपने राजस्थान में 5 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। फिर इसके बाद व्यक्तिगत और फिर इनकी विशेषताओं को अपन आगे चल के चर्चा करेंगे। देख लें आप एक बार क्लियर रूप से, फिर अपन आगे चलते हैं। ठीक है भाई, क्लियर रूप से है। तो ये अपना मुख्य रूप से आप देखें तो जलवायु का सामान्य वर्गीकरण। लेकिन अब ध्यान रखना, जो मुख्य रूप से अपनी क्लास होती है जहां से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, वो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है और थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण है, जिसकी चर्चा अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।